आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं डिंपी कालरा। अभी तक के जो संकेत हैं वो कुल मिला के काफ़ी पॉजिटिव ही हैं, चाहे वो ग्लोबल हो या फिर आप अलग अलग पैमानों पर देखें, जिसमें FIs का आंकड़ा भी कह सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट के अपने लेवल्स भी देखें। इस बीच अब SGX निफ्टी के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पे 8300 का लेवल अभी भी आपको दिख रहा है और तीन खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सिमी भौमिक, अविनाश और साथी किरण, जिनसे हम ये समझ रहे हैं टेक्निकली और साथी फंडामेंटली कि आज बाजार के जब हम अहम पड़ाव 8300 के आसपास हैं तब हमको करना क्या चाहिए, प्रॉफिट बुक करने चाहिए या फिर इन पर्टिकुलर शेयर्स को चुन के उसमें सौदे और बढ़ाने चाहिए। 8300 का आंकड़ा आपको 13 पे दिख ही रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये 22 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। इस बीच अब थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि रुपी की भी ओपनिंग हो जाएगी डॉलर के मुकाबले, लेकिन अभी तक जो स्ट्रेंथ है वो कुल मिला के रुपया ने वापस दिखाई है अपनी और 70 डॉलर तक फिसलने के चांसेस हैं एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुपया थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर दिखा रहा है। इस बीच दो इंपॉर्टेंट चीज हमको कल के सेशन में जो अलग से मिली वो था FIs का डाटा। लगातार कई दिनों की बड़ी सेलिंग के बाद कल हमको थोड़े से आंकड़े ऐसे मिले जहां पे FIs का मोमेंटम ऐसा लगा कि शायद सेलिंग का थम जाएगा, सिर्फ 86 करोड़ रुपए की ही मात्र सेलिंग उनकी तरफ से आती हुई दिखी है। सेक्टोरियल आपको ज्यादा ध्यान देना है, थेमेटिक आपको ज्यादा ध्यान देना है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज्यादा ध्यान देना है, इंडेक्स शायद पूरी तरह से आज मैनेज करता हो फिर से दिखेगा। बिल्कुल, इंडिकेटिव एक्शन में भी 1.5 मिनट है इसलिए ठीक एक और स्टॉक पर कमेंट लेते हैं कि वो है स्पाइसजेट का और खबर है कि बोइंग को 1010 करोड़ डॉलर के ऑर्डर दे सकती है। 92 बोइंग 737 मैक्स जेट्स के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। कल ये स्टॉक चला था 4.5% बढ़कर बंद हुआ था, इसलिए क्विक कमेंट ले लेते हैं किरण का। किरण, क्या कमेंट्स हैं आपके स्पाइसजेट पर? स्पाइसजेट मुझे लगता है दीपाली जी की इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा टारगेट करीबन 68 लेवल्स का रहेगा तो 68 लेवल्स के लिए ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होगा, 61 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, मेटल शेयर्स पे भी आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें और आईटी पे भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आईटी को लेकर H-1B वीज़ा को जो आप इससे कह सकते हैं जो मुसीबत बनी हुई है उसको लेकर और क्लैरिटी आप जी बिजनेस की स्क्रीन पर लगातार देखते रहेंगे और वो कार्ड जिसमें आपको अर्ली टिक अगर ठीक मिलते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा सावधानी रखिए, थोड़ा रुक जाइएगा, उसके बाद कोई भी ट्रेड अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटिव में शायद आपको ये भी दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं मजबूत खुलने की तरफ बढ़ेगा आगे। चलिए, इस बीच एक बार रुपए की भी अभी ओपनिंग हो जाएगी और रुपए का लेवल्स भी देख लेते हैं और उसके बाद हम ये समझेंगे कि आज के 10 ऐसे शेयर्स कौन से हैं जो कि हम सुबह आपको फास्ट 50 के तौर पर देते हैं, उसमें चुनिंदा 10 शेयर आपके सामने रखेंगे, लेकिन रुपया इस बीच ओपन करने की कगार पर है और इंडिकेटिव टिक्स भी आ जाएंगे, अब आने शुरू हो गए हैं। ऑलमोस्ट हम 82-73, 82-60 के टिक दिखाए और अभी हम 8300 की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट अभी तो खैर, अभी कुछ ज़्यादा मोमेंटम मिल नहीं रहा इंडिकेटर्स में और 9 बज के 8 मिनट तक आपको इस तरह से टिक दिखेंगे, बाद में फ्रीज होगा और जिस लेवल पर फ्रीज होगा बाजार वहीं से चलना शुरू हो जाएगा। कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स जिस पे आप ज़रा ध्यान दें उसमें इंडिकेटिव के हिसाब से भारतीय एयरटेल में कुछ एक मजबूती देखने को मिल रही है, TDSAT में एक मामला है जिसमें ये कहा गया कि आप थोड़ा जांच करें रिलायंस जियो के ऑफर के लिए और आज एक बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट भी आई है जो कि टेलीकॉम पे ये कहती है कि अगर जियो का ऑफर खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ एक ग्राहक सस्टेन कर जाएंगे लेकिन एक नया फिर से एक मार्केट बन जाएगा जहाँ पे नए ग्राहकों के लिए फिर से होड़ लग सकती है टेलीकॉम कंपनीज की। रुपए की ओपनिंग हुई है।